हे गाइस, वेलकम ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की अपडेट काफी बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से आ रही है, जो कि है यूपीपीएससी प्री 2020 के लिए, एसीएफ आरएफओ रिक्रूटमेंट के लिए 2020 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो A1E1 2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो जो एप्लीकेशन है आपका वो बिगिन हो रहा है आपका 21 अप्रैल 2020 से। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने का, तो ये है 18 मई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फी पे करने का लास्ट डेट है वो है आपका 18/5/2020। उसके बाद लास्ट डेट टू कंप्लीट फॉर्म, जो फॉर्म को कंप्लीट जो है सबमिट करने का जो डेट है वो है 21/5/2020 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो है 125 रखी गई। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 125 आपको पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 65 रुपीज रखी गई है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट है तो आप 25 रुपीज पे कर सकते हैं। उसके बाद पे जो करना है एग्जाम फी वो किसके थ्रू करना है, तो SBI जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, या फिर अगर SBI ई चालान मोड का भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपने बैचलर डिग्री करके रखा है किसी भी स्ट्रीम में इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इस पोस्ट जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे, तो बने रहिए वीडियो में। बात करते हैं कि जो ACF RFO जो पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन साइंस में आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करें मोर डिटेल के लिए, हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका काउंट जो किया जाएगा 1/7/2020 के अनुसार किया जाएगा, और मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए वो 21 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो जो है गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा, वो नोटिफिकेशन में आप डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 200 पोस्ट की वैकेंसी है ये, तो चलिए नोटिफिकेशन में देखते हैं बाकी डिटेल्स जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है, आप इसको डाउनलोड, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे डाउनलोड यहाँ पे करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लगभग 28 पेज का ये जो नोटिफिकेशन है टोटल, तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी डिटेल अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं आगे पोस्ट की मैं बात कर रहा था, तो पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अगर आप सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की, तो इसके लिए आपका क्या है, लॉ के ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट, ठीक है। तो अगला है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट डायोस एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर अलग अलग पोस्ट में अलग अलग जो एलिजिबिलिटी दी हुई है, जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से आप डिटेल नोटिफिकेशन में ये देख सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट अगर प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना है तो आपके लिए कौन सी डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें डिजाइनेटेड ऑफिसर की, फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो उसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ से आप डिटेल जो है नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वहाँ से। बाकी जितने भी शारीरिक मापदंड जो दिए हुए हैं यहाँ पे कि आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए या फिर एक्सपेंशन करने पर कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डिटेल जो है सारी जानकारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जितने भी जानकारी है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी था मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बेहतरीन अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया चैनल पे, तो और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए अपडेट आपको मिलते रहे। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।